सो हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, इस वक्त लाइव हैं। प्लीज़ 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 बहुत अचानक से लाइव आ गए हम आपके सामने, तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा और आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों, आज है संडे का दिन और आज है 6 मार्च 2022 और आपके सामने हम पूरी तरह से लाइव हैं। अगर प्लीज़ मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा हो, ब्रिजमोहन सिंह साहब अगर मुझे वॉच कर रहे हैं आप, तो प्लीज़ देखिए वॉइस क्लियर आ रहा है या नहीं। सागर यादव जी वेलकम सर, वॉइस क्लियर आ रहा है, प्लीज़ मुझे क्लियर करा दीजिए। वॉइस अगर क्लियर हो तो बिल्कुल मुझे एक मैसेज मार दीजिए, ओके, तो मैं आगे की कार्रवाई शुरू करूँ। सागर जी, ब्रिजमोहन जी, सागर यादव जी कैमरा ओके सर, वॉइस क्लियर आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे आंसर कर दीजिए। आपके सामने पूरी तरह से सागर यादव जी आवाज़ क्लियर आ रहा है, प्लीज़ बताइएगा। यस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। बहुत दिनों से लाइव नहीं हुए थे, हमने सोचा चलिए लाइव आ जाते हैं अचानक से, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशंस दे के नहीं, जस्ट बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे और बहुत दिनों से मैंने लाइव किया नहीं था। और होता क्या कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर देते हैं असल में, जब जो है यूट्यूब माफ़ कीजिएगा फेसबुक पे कई लोग लाइव जब मैं नहीं रहता हूँ या फिर नॉर्मली मुझे जब ऑनलाइन रहता हूँ तो लोग मुझे कॉल करते हैं, तो मैं उन्हें बोलता हूँ प्लीज़ आप कॉल मत किया कीजिए, मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाता हूँ, आई एम रियली सॉरी। इसलिए हम कभी कभी आपके सामने लाइव आ जाते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ है, जस्ट क्योंकि अभी जो हमारा मंथ है इस बार का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारा है बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त मंथ है, जो इस ये वाला मंथ है हमारा मार्च का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही एक्साइटमेंट से भरपूर है, राइट। तौफीक इस्लाम साहब हमारे स्टूडेंट हैं, तौफीक इस्लाम साहब वेलकम एंड और जो भी हो प्लीज़ आप लाइव आइए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको हमारे साथ जुड़ करके और एक पॉजिटिव माहौल आपको मिलेगा। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपका दिमाग बहुत पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिविटी से आप बचेंगे। एंड पिंटू वेरा जी वेलकम सर, वेलकम। और भी कोई लोग जुड़ रहे हो तो मोस्ट वेलकम, आप सभी का वेलकम है। और आज संडे का दिन है तो हमने सोचा चलिए आज लाइव कर देते हैं, हालांकि शाम को हम सेशन जो लाइव करते हैं अपने यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा आज फेसबुक पे ही लाइव करते हैं और आपके सामने आते हैं और इसको यूट्यूब पे भी हम बाद में देखेंगे ऑब्वियसली, बट आप इस वक्त हमारे साथ पूरे लाइव हैं तो आपको वही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करेंगे। रेड्डी रवि शेखर जी वेलकम सर, वेलकम। एंड और भी लोग हमारे साथ काफ़ी सारे जुड़ रहे हैं अभी यहाँ पे, तो देखिए आपको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छा, और वो यही है कि जो मार्च का मंथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार है। सुधीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुधीर सिंह टेकम जी हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आपको एंड एवरीवन। बहुत आज संडे का दिन है, कई लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बिज़ी होंगे, कुछ अपने काम में बिज़ी होंगे, लेकिन ऑन पैसिव में अगर आप जुड़ते हैं, ऑन पैसिव में अगर आप आते हैं और एक भी दिन अगर आप ऑन पैसिव के बारे में चर्चा नहीं करते हैं तो हमारे बिजनेस का एक पार्ट, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया ऑन पैसिव। यही कारण है कि हम उसके बिना रह नहीं पाते हैं, राइट। तो जो एक्टिव फाउंडर्स हैं वो लोग तो उसके बिना रह नहीं पाते हैं और उन्हें एक एक जो है मतलब उसके बिना रहा नहीं जाता। जैसे आप नाश्ता करते हैं, आप खाना खाते हैं, आप नहाते हैं, आप फैमिली के साथ जो टाइम एक्सपेंड करते हैं, उसी टाइप से जो है ऑन पैसिव भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है सारे फाउंडर्स के लिए। श्री दयाल सरकार जी हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम सर, वेलकम। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बिना मतलब हम रहा नहीं जाता है ऑन पैसिव में, एक दूसरे से अगर हम बात नहीं करें तो बात करे बिना रहा नहीं जाता है। और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, मतलब मनमोहन बिंद्रा जी, अरे क्या बात है सर, हेलो ब्रदर, हेलो सर, हेलो, बहुत अच्छे हमारे ग्रेट फाउंडर मनमोहन बिंद्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। एंड और रजी रिजवी साहब वेलकम एंड एवरीवन, और बहुत 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 सारे लोग हमारे साथ अभी ऐड हो रहे हैं क्योंकि संडे का दिन है
और लाइव आना ज़रूरी था, काफ़ी टाइम से लाइव नहीं आया और आज क्वेश्चन आंसर सेशन भी नहीं था, तो आई थिंक मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा टॉक कर लेते हैं, अच्छा रहता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है हमको एक दूसरे से बात करने से। और जो आप बार बार मुझे जो फ़ोन कर देते कई बार फेसबुक पे, तो सॉरी उसके लिए, मैं जानबूझ के फ़ोन नहीं उठाता हूँ, ऐसा नहीं है, जस्ट बहुत सारे कॉल होते हैं और फेसबुक पे बहुत सारे लोग होते हैं और कौन क्या कॉल करता है, इसलिए मैं कम ही उठाता हूँ प्लीज़। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, आप ज़रूर देखिए। चलिए, सबसे इंटरेस्टिंग तो बात यहाँ पे है कि बूम बूम मार्च, हमारा जो मार्च है बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। भोलू गुप्ता जी वेलकम, एंड और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो ये मार्च का मंथ है 2022 का, वो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा इसीलिए है, जैसे ऐश मुफारे सर आए थे और उन्होंने जो इंडियन वेबिनार में अपडेट्स दी थी वो बहुत बड़ी अपडेट्स थी, और कई लोगों के इसमें मन में होगा कि यार आज से एक साल पहले भी बोला गया था कि बूम बूम होने वाला है मार्च अप्रैल मई, और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम का जो दौर था 2019 में, तो मैं भी नहीं आया था 2019 में, 2020 में जब आया, 2021 आया, तो हर बार ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो आपको बताते हैं, देखिए इतने साल से कंपनी आज चलते आ रही है, 2018 से इसकी प्रोसेस चलते आ रही है, तो आप ये अगर बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ तो ये बहुत ही रॉन्ग बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, 100% बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हुआ है आज की डेट में, ध्यान दीजिएगा बहुत ज़्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में शुरू किया था कंपनी, आज देखेंगे कि आज की डेट में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है रेडी हो चुके हैं, बहुत नहीं बल्कि बहुत 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 सारे प्रोडक्ट रेडी हो चुके हैं, और उसका ऑलरेडी बैकएंड पे बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, जैसे आप लोग सब जानते हैं, ऐश सर ने आके हमसे ये बातें की थी, हमारे साथ में डिस्कशन किया था, और इतना बढ़िया वेबिनार होता, दुनिया में ऐसा कोई सीईओ नहीं है जो ला करके आपके सामने आकर के फेस टू फेस बात करता हो। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यही थी कि यहाँ पर जो हमारे बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे जो हैं अपडेट्स जो हैं आए थे, और मार्च का मंथ स्पेशली हम फाउंडर के लिए तो बहुत ही धमाकेदार है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे जितने भी फाउंडर हैं तो उनके लिए तो गुड न्यूज़ है कि डेफिनेटली मार्च का जो मंथ है 2022 का, उसमें ये तो तय हो गया है कि भैया अब उसमें कुछ लोगों को जो है वहाँ पर ऑफिस में जाने का मौका मिलेगा, तो ये तो बात तय रही भाई 101%। तो इसके लिए जो है क्या क्राइटेरिया है, क्या है इसके लिए, आपको ज़्यादा उठापटक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये कंपनी डिसाइड करती है कि किसे किसे लेकर के आना है, कहाँ पे लाना है, वहाँ पर किस किस फाउंडर को आना है ऑफिस में। तो दोस्त आप लकीएस्ट फाउंडर में होंगे, आप लकी होंगे वो फाउंडर जो वहाँ पर जा कर के जो है देखेंगे ऑफिस में इंडिया के हैदराबाद के ऑफिस, ये सिर्फ इंडिया के ऑफिस की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर में हमारे बहुत सारे ऑफिस आने वाले हैं ऑन पैसिव के, और आप दंग रह जाएंगे जो आने वाले वक्त में जो हमारे ऑफिसेज इसके आएंगे, मतलब पूरी पूरे पूरे लोग एक्साइटेड होने वाले हैं, मतलब कि क्या ज़बरदस्त धमाका होगा। और हैदराबाद ऑफिस तो मैं लास्ट टाइम गया था, मुझे अच्छा लगा और बहुत कुछ है वहाँ पे इंफॉर्मेशन, लेकिन आप ये सोचे कि यार मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया कंपनी, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर बता दें आपको क्लियर शब्दों में कि जो आप एक्टिविटी देखते हैं, राइट, एक्टिविटी मींस आपको लगता है कि जो क्या यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं वही मतलब सब कुछ करते हैं, या फेसबुक पे आते हैं वही लोग सब एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी है जो कंपनी ऑलरेडी आपकी वॉच करती है। देखिए बहुत सारे हैं हमारे बैकऑफिस में जो चेक करते हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि ऑन पैसिव के आप फाउंडर हैं, आपकी ऑन पैसिव में आईडी है और इसमें आपको एक एक सेकेंड मतलब हर दिन वॉच किया जाता है कि कौन कितना कितने लेवल पर किस तरह से काम कर रहा है, राइट, बहुत बहुत तरह के लोग हैं ध्यान दीजिएगा जो अलग अलग उसमें देखते रहते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक यूट्यूब पे लाइव आ गए तो ही आप सुपरस्टार हो या तो कंपनी आपको जान रही है, इसके अलावा भी जो है कई ऐसी एक्टिविटीयां हैं जो आपको करना है, जैसे आपको कुछ अच्छा कुछ लोग लोगों के साथ में जो कनेक्ट होकर के बातचीत करते हैं, किस तरह से जो उसको ऑन पैसिव को समझाने का तरीका आपका क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या एक्टिविटी होती है ये जो सब जो है आपको देखा जाता है। तो ये एक प्रताप सिंह रॉय जी बोल रहे हैं, पब्लिक को उल्लू बना रहे हो क्या, एक बहुत अच्छा कमेंट्स किया इन्होंने, जैसा दोस्तों आप इनको जवाब दीजिए, प्रताप सारथी रॉय
आप देखिए ये इस टाइप के कमेंट्स जो आते हैं उनको हम वेलकम करते हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के आओ और ये उल्टे सीधे कमेंट्स करना बंद करो। आपके सामने दम होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, आपके अंदर दम होना चाहिए सामने लाइव आकर के बात करने का। अगर आपके अंदर दम है तो आप आकर के लाइव बात करो दोस्तों, आपको तभी मज़ा आएगा, राइट। और हम यहाँ पर आकर के लाइव बात करते हैं और जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, नेगेटिव वीडियोज़ बनाते हैं, बनाने दो, उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 1000 लोगों में एक कोई ऐसा पैदा होगा जो ऐसे उल्टी सीधी बात करेगा, राइट। तो उसका टेंशन मत लो दोस्तों, इंजॉय करो। और ऐसे लोग बहुत आते जाते हैं, इनके अते पते नहीं कुछ दिन बाद वो कहाँ होंगे, राइट। तो आप तो जस्ट इंजॉय करो। और अभी जो होने वाला है हैदराबाद ऑफिस में, और धमाकेदार न्यूज़ें आएंगी। और ये तो तय हो गया है कि हमारा इस बार बहुत ही शानदार काम होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त काम होने वाला है, राइट। और आपको वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड फाउंडर जाएंगे तो ये कंपनी डिसाइड करेगी कि वहाँ पर किसको लाना है किसको नहीं लाना है, राइट। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप इस मंथ में नहीं जा पाए तो आगे आप नहीं जा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी जो लोग हैं वहाँ पर जा कर के आए हैं, पहले भी गए हैं फाउंडर, पहले बार 28 करीब फाउंडर गए थे फर्स्ट टाइम 2020 में, फिर 21 में हम 10 फाउंडर करीब गए थे। इस बार हो सकता है कि ज़्यादा फाउंडर वहाँ जाने का मौका मिल जाए, और वही होगा, राइट। यहां पर और बहुत ज्यादा फाउंडरों को जाने का मौका मिलने वाला है, और हो सकता है कि वहाँ पे कंपनी क्या डिसाइड करती है, उस किन लोगों को बुलाती है, तो आप देखते रहिए। हो सकता है आप भी कुछ उसमें से एक्टिव फाउंडर में हो और आपको भी वो चांस मिले, तो आप ऐसे चांस को खोइए मत, क्योंकि कंपनी जो है अपने स्तर पे काम करती है, और आने जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा सब कंपनी आपको पे करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जस्ट इंजॉय करने वाली बात है, आप इस पल को इंजॉय कीजिए। अभी आपके खिलाफ कोई कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, उसको बकने दो भाई, बकने दो, कुछ कुछ नहीं होना है उसके बोलने से, क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। आप भी जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो ये सब हमको दिख रहा है, हमें किसी से बहस करने की ज्यादा जरूरत नहीं होना चाहिए, आई थिंक, राइट। तो जो सारी चीज़ें हैं वो आप देखते रहिए, बस वॉच करते रहिए। और वहाँ हैदराबाद ऑफिस में बहुत कुछ बहुत बड़ा हुआ था लास्ट टाइम, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि ऑन पैसिव में जो ऑडिटोरियम है आप देखा होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, जैसे ऐश मुफारे सर ने बताया था, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे में समझ में आने लगेगी। और डेफिनेटली जो है ऑन पैसिव को हल्के में मत लो, जैसे हमने एक वीडियो बनाया था, एक ने कमेंट्स किया था बहुत अच्छा, कि अभी आगे आके आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात यहां पर यह है कि ऑन पैसिव को लेकर के बहुत सारे जो क्वेश्चन थे लोगों के, कंपनी अभी तक लॉन्च नहीं हुई, यार ये आदमी लोग कैसे हैं जो ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हुई, इतने साल से बकबक कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें हम कि ऑन पैसिव तो जिस दिन आना है उसी दिन ही आएगी, आप कुछ भी कर लो, राइट। हमारे बोलने से या किसी के चिल्ला चोट करने से या किसी के नेगेटिव बोलने से, जैसे हमारे डिल्लन सर ने बहुत अच्छे एक बार बात बोली थी लास्ट जो हमारा जो हुआ था अपडेट का सेशन हुआ था 8 बजे, तो क्या होता है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, उससे बोलने से कुछ नहीं होगा। ऑन पैसिव जब आना होगी वो तभी आएगी, और उसके सही टाइम आएगा तभी ऑन पैसिव लॉन्च होगा, राइट। लेकिन ये बात तो तय है कि बहुत कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी जो ये मार्च का मंथ है, आपको जाना है सारे फाउंडर को, जिनको भी वहाँ पे इनविटेशन मिलेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। और उसके अलावा ये हर बार चलता रहेगा, जैसे नेक्स्ट मंथ भी, फिर हो सकता है हर साल कुछ ना कुछ नया चीज़ें आए, हो सकता है कि 28 जो अपने यहाँ पे जो भी हमारे बोल सकते हैं कि प्रदेश हैं, हमारे जो स्टेट हैं उसके हिसाब से वहाँ पे फ्यूचर में आकर के डिसाइड किया जाएगा कि हर स्टेट को एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, उस हिसाब से फिर जो है आप लोग वहां पर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, ये सब मतलब पाइपलाइन में है, दैट्स इट, आपको बता दे, और सब धीरे धीरे आप ये देखते जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ यहाँ पर मार्च का मंथ तो बूम होगा, लेकिन आने वाला जो साल है ये 2022, आज का बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारे फंक्शंस होंगे, तो बहुत ही बड़ी अपडेट है ये, राइट। और ये इसलिए बड़ी अपडेट है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑन पैसिव के फाउंडर नहीं होंगे, बल्कि ना एलसी मेंबर होंगे, बल्कि ऑन पैसिव के फाउंडर एलसी मेंबर
हो सकता है कि ऐश मुफारे सर भी बहुत सारे जो वहाँ पे आएंगे, जो फंक्शंस होंगे इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसमें इंडिया का नाम भी है। मतलब एक बड़ा फंक्शन जो आप ये नई फाउंडर वाला जो मार्च में हो रहा है वो तो होता रहेगा हर बार, लेकिन ये जो है कंपनी की जो प्रोसेस हो रही है डे बाय डे, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं और क्या क्या और होने वाला है, तो आपने सुना होगा कि कहीं यहाँ पे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं और बड़े बड़े जो आप देखेंगे सेलिब्रिटीज़ हैं वहाँ पर, उनके साथ में भी बड़े बड़े फंक्शंस होंगे, तो आप उनमें से वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है कि उसमें से कुछ जो सिलेक्ट किसी कंपनी ने ये किया होगा, क्योंकि कंपनी अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको बता दूं, अगर आप ये अभी तक कई लोग सोच रहे हैं कि अभी तक मैं कंपनी लॉन्च होगी, मैं जब देखूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, आई थिंक लाइव आ रहा है क्या, प्लीज रिकनेक्ट हो गया है। ओके, तो अपने स्तर पे जो है ये जो आप देखते जाएंगे धीरे धीरे डे बाय डे बहुत कुछ बहुत बड़ा होते जाएगा, और ये साल 2022 का हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, राइट। और बहुत सारी इसमें कुछ चीज़ें इसलिए आ रही हैं कि मार्च का मंथ आएगा, उसके बाद में ये सब अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ जो मार्केटिंग कैंपेनिंग इस बार तो बिल्कुल होनी है, क्योंकि अभी बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो है मार्केटिंग कैंपेनिंग शुरू हो जाएगा। और ये मार्केटिंग कैंपेनिंग प्रोसेस का हम जनवरी फरवरी से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी मार्च भी आ गया तो फिर आपके मन में सवाल उठता है, यार जनवरी फरवरी में हर बार ऐसा कहते हैं हुआ तो कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि मार्केटिंग कैंपेनिंग बहुत बड़े और बहुत बड़े लेवल पर होगी, और ऐश सर ने बार बार बोला है, बार बार रिपीट किया है कि देखिए ये जो मार्केटिंग कैंपेनिंग होगी ये बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। मतलब जो है ये टीवी अखबारों वाली जो नॉर्मल मार्केटिंग होती है, हमको लगता है जो टीवी अखबारों में आता है वही जो है सब कुछ मार्केटिंग का हिस्सा है, तो आपकी गलत फहमी है। आज कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी बनी हैं जो ऐसी इस टाइप के टीवी ऐड में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो यूं ही बहुत बड़ी कंपनियां बन गई। तो ऑन पैसिव जो लाएगा फ्यूचर में वो इतनी बड़ी मार्केटिंग कैंपेनिंग होगी और बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, जो शायद आपने कभी आज तक देखी नहीं हो। और यही जो है ऑन पैसिव का मोटो है कि यहाँ पर बोला जाता है कि इन इट टू विन इट, मतलब आप आ ही गए हो तो आपकी जीत निश्चित है। तो यहाँ पर जो मार्केटिंग कैंपेनिंग होगा बहुत बड़े स्तर पर होगा और बहुत ही डिफरेंट होगा, और सब देखेंगे जस्ट वाओ ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग कैंपेनिंग होने वाली है। तो उसके लिए आपको जो है वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा और, क्योंकि हमने इतने सारे जो पेशेंस रखा है, अब उस पेशेंस को जो है बाहर निकलने का समय आ रहा है, और क्योंकि हमारा जो पेशेंस जो है अब हमारा पेशेंस बहुत जल्दी सब्र का जो है वो ख़त्म होने वाला है, और वो सब्र जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में जो मज़ा आने वाला है ना दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। और थ्री वाला जो बताया था उन्होंने ऐसा ने, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी वो, कि अगर आपके साथ में तीन लोग आप ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका बोनस तो ऑब्वियसली डेफिनेटली बनेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिनका कुछ भी लोग नहीं है तो टेंशन मत लो कि हमारा लोग नहीं, हमारे साथ लोग नहीं जुड़े हैं तो हमारा कैसे इनकम होगा, तो उसके लिए आप चिंता छोड़ दीजिए। उसके लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा सिस्टम ऑलरेडी कंपनी तैयार कर रही है, जिसमें आपको बहुत कुछ जो है देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, और आपको पता चलेगा। देखिए मार्केटिंग कैंपेनिंग सबके लिए होगा, राइट, ऐसा नहीं है कि जिनको बहुत बड़ी टीम है उसको डेफिनेटली कुछ बोनस एक्स्ट्रा तो होगा, लेकिन यहाँ पर जिनका जीरो है, जिनका कुछ नहीं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली वो मार्केटिंग के थ्रू होगा, बहुत कुछ होगा, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं दोस्तों, और ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत बड़े कंपनी की तरफ ले जाती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव ये हमने अभी तक जो कंपनियां की उस टाइप की तो नहीं है कि थोड़े दिन हुआ और फिर पता चला कि कंपनी नहीं है और तीन साल से प्रोसेस चल रही है अभी तक आया नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि देखिए आज इतने टाइम से जो है इसकी प्रोसेस जो चल रही है, तो इसका ये मतलब है कि जितना हम लेट हो रहे हैं, हम जितना लेट हो रहे हैं उतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है। उसका रीज़न क्या है, देखिए कि जितनी चीज़ को बनने में टाइम लगता है ना, तो उसका जो फल है उतना ही अच्छा मिलता है, राइट। तो हमने इतने साल जो पेशेंस रखा है, एक साल, दो साल, तीन साल, किसी को तीन साल से ऊपर हो गया, तो उस पेशेंस का जो है आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, आपका पेशेंस का एक बहुत बड़ा जो एग्ज़ाम था जो आप लोग उसको पास कर गए हैं।
राइट, मैक्सिमम फाउंडर पास कर चुके हैं, और जिन्होंने उसे पास नहीं कर पाया, कई लोगों ने रिफंड लिए होंगे, ज़्यादा लोगों ने तो नहीं लिए थे, लेकिन जो रिफंड की बातें करते थे उन्होंने भी नेचुरली बताऊं तो रिफंड नहीं लिया था। सच्चाई तो यही है, कई लोग मुझे कॉल करते थे और ये बोलते थे सर मैं तो बस रिफंड लेने जा रहा हूं और मैं तो परेशान हो गया, तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया, यस सर आप रिफंड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने ऑप्शन दिया था रिफंड का आपको, फिर भी उन लोगों ने आज तक कभी रिफंड नहीं लिया, जस्ट ये बोलने की बातें थी, राइट, क्योंकि उन्हें भी था कि यार हम अपना $97 बचा करके कोई आज की डेट में ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे हमारा बहुत बड़ा लाइफ सेट हो रहा है। तो आप जहां $97 देते हो ना दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी चीज है आज की डेट में कि आप $97 देके ऐसी कोई सी एक कंपनी मुझे बता दो जिसने आपको मतलब कि क्या दिया आज तक $97। आप आज पैसा डालो, कल से इनकम आएगी, थोड़े दिन बाद वो कंपनी गायब हो जाती है, लेकिन यहां पर ऑन पैसे में आप $97 दिए हैं दोस्त। आपको अगर मीटिंग वेबिनार्स आप अटेंड करेंगे और एक सीईओ को जब आप लाइव सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार वाकई में कितनी बड़ी कंपनी है ऑन पैसिव, और आपके मन से जो बाहर से बैठ के सोच रहे हैं कि कब कंपनी लॉन्च होगी तब उसके बाद में मैं पहले सोचूंगा, तो दोस्तों मैं उनके यही बोलता हूं कि आप जब तक अंदर नहीं आओगे ना तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। जब तक आप अंदर आकर के बैठोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो ऑन पैसिव में समझना है तो आपको अंदर आना पड़ेगा, लेकिन अब फाउंडरशिप बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी, बहुत ही जल्दी इसके संकेत दिख रहे हैं जैसे हम सभी को, तो हमको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। और जो आते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि फ्यूचर में वो कस्टमर बन के कहीं ना कहीं से तो आने वाले हैं, राइट। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑन पैसिव के पास, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और आप मेरे चैनल पर आप जाइए, डेफिनेटली आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन्स मिलेंगी मेरे चैनल पर, जिसमें हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने मैंने लास्ट वीडियो बनाया था IPv4 IPv6 क्या होती है, कुछ लोगों के लिए नया वर्ड होगा लेकिन IPv4 IPv6 क्या होते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं। ये इतने पावरफुल होते हैं IP एड्रेसेस ट्रैक करने के, IP एड्रेस क्या होता है आपका, जो इसको समझिए, आप टेक्नोलॉजी को समझिए, ये इसको किस टाइप से वर्क करता है। और ऑन पैसिव जो IPv6 ला रहा है, आज तक बहुत सारी कंपनियां आई हैं मार्केट में, लेकिन आप देखेंगे कि ऑन पैसिव की जो बात है बहुत ही डिफरेंट है, और उसमें बहुत कुछ ऐसे टूल्स वो ला रही है कि आप देखेंगे कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां, वर्ल्ड वाइड तो कंपनियां हैं, इंडिया की भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आप उसमें देखेंगे जो आप हैरान रह जाएंगे कि ये कंपनी भी हमारे टूल्स यूज कर रही है। तो ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, अगर हमारी कंपनी के टूल्स को अगर पूरी दुनिया में लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे जब इसके यूजर बनेंगे, जब इसको यूज करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जब हमारे प्रोडक्ट को जो है देख रही हैं, आज की डेट में बनते हुए सिर्फ देख रही हैं, तो आप सोचिए बनने के बाद में जब वो उसका यूज करेंगे और जब उनको रिजल्ट अच्छा आएगा, तो आप सोचिए कि हमारा एक एक प्रोडक्ट जो है, हर कंपनी एक नहीं बल्कि हमारे 10 प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगी, 15 प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगी। ऑब्वियसली जब आप कोई मार्केट में प्रोडक्ट आता है, सपोज कोई बड़ी कंपनी आती है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कोई भी कंपनी उठा के देखते हैं, जब देखते हैं यार ये कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, लास्ट मैंने इसका आईफोन लिया, माफ़ कीजिएगा हेडफोन लिया था, तो कितनी बढ़िया क्वालिटी थी उसकी, फिर आप सोचेंगे यार इसका हेडफोन इतना बढ़िया था तो डेफिनेटली इस कंपनी का मोबाइल फ़ोन अगर वो बनाती तो इसका मोबाइल भी ज़बरदस्त होगा, तो आप क्या करेंगे उस मोबाइल को भी खरीदेंगे। आप जब देखेंगे यार ये मोबाइल भी इसका इतना ज़बरदस्त है, तो फिर इसका जो चार्जर हो वो भी कितना अच्छा होगा, तो राइट वो आप चार्जर भी परचेस करोगे, यार इस कंपनी के से चार्जर इतने अच्छे हैं तो इसके लैपटॉप भी बड़े अच्छे होंगे, तो फिर क्या करेंगे आप लैपटॉप भी परचेस करेंगे। ऑन पैसिव में जब भी हमारे टूल्स आएंगे, जब हमारे प्रोडक्ट के यूज़र आएंगे, हमारा कोई एक क्लाइंट बनेगा, कोई कंपनी हमारी क्लाइंट बनेगी, उस क्लाइंट से जैसे ही आप जो बंदा आएगा वो हमारा कुछ प्रोडक्ट यूज़ करेगा, सपोज उसने ओ कनेक्ट को यूज़ किया, तो वो सोचेगा यार ये तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो सोचेगा क्यों ना मैं ओस्टाफ को भी परचेस कर लूँ, वो सोचेगा यार ओस्टाफ भी इसका इतना अच्छा टूल्स है, तो क्यों ना जब ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है हमारा तो ओस्टाफ के साथ साथ में मैं एक काम करता हूँ ओमेल को यूज़ क्यों ना करूँ। तो वो जब एक प्रोडक्ट को लेने के लिए आएगा, कोई कंपनी आएगी, कोई व्यक्ति आएगा, तो वो क्या करेगा कि हमारे साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और हमारा वो एक नहीं बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे टूल्स को लेना शुरू कर देगा। और वो जो सारे टूल्स को जब लेना शुरू कर देगा तो उस टूल से जो बूम आएगा दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते। ये मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, हर प्रोडक्ट हमारा मिलियंस ऑफ डॉलर का होने वाला है। तो आप इस बात को बार बार मैं याद दिला दूं कि कभी मत भूलना कि ऑन पैसिव के आप फाउंडर हो, और अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडर हो तो जो कस्टमर आएंगे, जो भी आएगा, सारा जितना भी डाटा आएगा, जितने भी लोग आएंगे, तो वो 12 लाख फाउंडर
करके आज के पास उनके नीचे ही सारे लोग आने वाले हैं और उनके स्ट्रक्चर में ही आएंगे और ये मार्केटिंग कैंपेनिंग का हिस्सा होगा। और अगर वो मार्केटिंग कैंपेनिंग जब हमारी अभी जब फाइनली मार्केटिंग कैंपेनिंग शुरू होगी, अभी हमारा कंपनी लॉन्च नहीं हुआ है, जैसे एच सर ने भी बताया था कि आप सोचिए कि बिना अभी हमारा मार्केट अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है, मतलब ऑन पैसिव तो अभी बाहर ही नहीं आया, अभी तो छोटा सा बच्चा ही है और वो लॉन्च होने के पहले ही मिलियंस ऑफ डॉलर का बन चुका है। तो आप सोचिए कि जिस दिन हमारा ये कंपनी ऊपर आएगा, जब मार्केटिंग कैंपेनिंग शुरू होगा, उस मार्केटिंग कैंपेनिंग से कितना ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ करेगा हमारा। और वो एक दिन के अंदर बोला जा रहा है, जैसे कि हमारी कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर की बन जाएगी, उसका रीज़न ये है कि पहले से हमारे पास ऑलरेडी 12 लाख फाउंडर मौजूद हैं। मौला 12 लाख फाउंडर पहले से ही हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप सोचिए कि फ्यूचर में अगर एक एक आदमी तीन तीन आदमी को भी लेके आता है, उसको आप उससे गुणा कर दीजिए तो कितने लोग हो जाते हैं। और ये तो लोग लाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर मार्केटिंग कैंपेनिंग के अलावा एक चीज़ और आएगी कि यहाँ से आपके नीचे जो ट्रैफिक आएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो लोग कंपनी डिसाइड करेगी कैसे लोग लाने हैं, उसके नीचे आपका स्ट्रक्चर डे बाय डे बढ़ता जाएगा, राइट। और IPV6 का मैंने जिक्र किया था, तो IP ट्रैकर जो होता है वो, उसके बारे में जो मैंने जिक्र किया था, आप उसकी वीडियो ज़रूर देखिए मेरे चैनल पे, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कि IPV6 इतना स्ट्रांग होता है कि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि आपके डाटा को डाटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपको इस बात को समझिए। और IPV6 का वीडियो आप देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा बताऊँगा नहीं, आप जा करके देखिए, उसको समझिए कि ये चीज़ क्या होती है। और डाटा सेंटर्स जो होते हैं, डाटा सेंटर जो है ऐसे नहीं कि उठे छुटे और बना दिए, डाटा सेंटर का काम ऑलरेडी कंपनी बहुत पहले से कर रही है। ये बात और है कि हमको अब चीज पता चल रही है, क्योंकि अभी धीरे धीरे चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे साथ में शेयर की करेगी कंपनी, धीरे धीरे करके सारी बातें शेयर नहीं की जाती। तो जब ये डाटा सेंटर में आपका काम शुरू होगा, डाटा सेंटर का फुल फ्लैश काम शुरू हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि इन डाटा सेंटर के माध्यम से जो लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जो यहां पर कस्टमर का रेशियो बनेगा, जो डाटा से जो लोग को मेल जाएंगे, फलाना जाएगा, इंफॉर्मेशन जाएगा, इतनी सारी जानकारी जब उनको मिलेगी तो वो हैरान रह जाएंगे कि यार ये कौन सी कंपनी है। और जब वो डाटा जो कलेक्ट होगा, जो डाटा कलेक्ट होगा और हमारे कितने सारे क्लाइंट बनेंगे, आप सोचिए यहाँ पे कितने सारे कस्टमर यहाँ पर हमारे ऑन पैसिव के बनेंगे। और वो एक एक कस्टमर, एक एक क्लिक जो करेगा, जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेस करेगा और जो क्लिकिंग होंगे, तो हमारे को बोनस कई तरह के मिलने वाले हैं। आपकी एक बार गलतफहमी दूर कर दें, नए लोगों को स्पेशल मैं बताऊँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें पता नहीं है, कई तरह के बोनस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, बहुत तरह के बोनस मिलने वाले हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, आठ, दस, पंद्रह, पता नहीं कितने बोनस होंगे, अनलिमिटेड होंगे। इसलिए बोला जाता है ऑन पैसिव इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है ऑन पैसिव, अनलिमिटेड है। अगर आपकी एक गलत फहमी मैं यहाँ दूर कर दूँ कि ऑन पैसिव एक कंपनी है, बिल्कुल नहीं, ऑन पैसिव कंपनी नहीं है, बल्कि बहुत सारी कंपनियों का एक मिश्रण जिसे बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारी कंपनियों के साथ मिलकर के बना है बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा। तो आप सोचिए कि जो है सारे ये जो ऑन पैसिव है उसके नीचे सब प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं और ये सारे प्रोडक्ट जो है ऑन पैसिव को बना रहे हैं, तो ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा नाम होगा। और ओ शब्द का आप हमेशा देखते हैं, हर प्रोडक्ट में यूज होता है हमारे, ओ वॉलेट, ओ नेट, ओ मेल, ओ चैट, ऑन पैसिव, तो एक अलग सा है, एक अलग सा एक मुकाम बना लिया है ओ शब्द ने हमारे लिए। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ यह है दोस्तों कि बहुत कुछ बड़ा होता जाएगा डे बाय डे। और मार्च का जो मंथ है, फिर से बोलूँगा कि मार्च का मंथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मार्च का मंथ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। जिसके पास पेशेंस नहीं है, जिसके पास पेशेंस नहीं है, वो कभी भी ऑन पैसिव को नहीं कर पाएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऑन पैसिव को नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि जिनके पास पेशेंस है आज वो ऑन पैसिव में जुड़े हुए हैं और वो आज किसी से, जैसे कि मैं भी जुड़ा हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं यार तुम्हारी कंपनी का क्या हुआ, अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुई, क्या हुआ, इनकम कब आएगा, पैसा कब आएगा। तो मैं बोलता हूँ भैया आप अपनी चिंता छोड़ दो, मेरी चिंता छोड़ दो, अपनी चिंता करो, क्योंकि मुझे तो पता है कि ऑन पैसिव आने वाला है और 101% आएगा। तो आप जो भी काम कर उसे करते रहिए, कौन क्या बोलता है उस चीज पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव अकेली इकलौती ऐसी कंपनी है जो बहुत ही डिफरेंट चीज लेकर के आने वाली है, जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, राइट।
तो आप सोचते होंगे यार ये मैं क्यों बताता हूँ, मुझे क्या पढ़िए, मुझे जानकारी कहाँ से होती है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए आप वेबिनार मीटिंग अटेंड करेंगे, ऐश मुफारे सर को जब लाइव सुनेंगे जब भी मीटिंग्स में, तो आपको पता चलेगा यार वाकई में ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसको हमने जो हल्के में ले रखा था कई लोगों ने, वो पछताने वाले हैं, वो पछताएंगे कि यार काश हमने ऑन पैसिव उस वक्त समझा होता, राइट। तो बिल्कुल है, आप अपने काम को करते रहिए जो भी कर रहे हैं, लेकिन ऑन पैसिव आने के बाद में आपको बहुत कुछ होने वाला है। और इस बार तो ऐश सर ने भी बोल दिया कि देखिए बहुत अच्छा होगा और ये होगा कि जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी तो यहाँ पे बहुत कुछ गुड न्यूज़ेज होंगी। और अभी जो दो एक महीने बस रुक जाइए, अभी आने वाले दो तीन चार महीने जो भी है, ऐसा फिक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर उसी बात को आप पकड़ोगे कि यार आपने तो ऐसा बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट ये जो मार्केटिंग कैंपेनिंग आने वाले दिनों में शुरू होगी वो बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो हमको बस उसका वेट करना है। और ज़बरदस्ती किसी को ऑन पैसे में लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो ये देख रहा है वीडियो, जो आपके लिंक पर गया है अपने और देखेगा समझेगा, जिसको समझ में आएगा उसको आप बिल्कुल समझाइए, एक दो वीडियो सेंड कीजिए, उसके बाद में उसके समझ में आता है तो वो खुद इंटरेस्टेड होगा, अगर थोड़ा सा नॉलेज रखता होगा टेक्नोलॉजी का तो वो खुद इसको समझ के और इसके अंदर आ जाएगा, उसको आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आप किसी को ज़्यादा समझाएंगे तो वो होता क्या है कि आदमी को लगता है यार ये ऐसे ज़रूरत है, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं दोस्त आपको, बल्कि अपना आपका खुद का बिजनेस है ऑन पैसिव, और आप उसको जस्ट शेयरिंग कीजिए, सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि लोगों को एक सही नॉलेज मिल सके और एक अच्छी जानकारी मिल सके, ताकि आप फ्यूचर में जब भी कोई और आगे कंपनी जो अच्छे नई चीज़ें लेकर के आएगी, आप देखेंगे कुछ और प्रोडक्ट ऐड होंगे, तो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए और जाकर के देखिए onpassive.com की साइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद होती हैं। और छोटे छोटे वीडियो हम एक एक दो दो तीन तीन मिनट के वीडियो बनाते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो कई लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, उनको तो ये लगता है कि बस जिस दिन मेरा पैसा आएगा उसी दिन सब कुछ, मेरी दुनिया तभी पलटेगी onpassive को जब भी मैं जानूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, सबको पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, ऐसा किसको है, मुझे भी चाहिए, भाई मैं क्यों बोलूँगा कि मुझे नहीं चाहिए। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कंपनी लॉन्च होगी तो हम जो है उसके बाद में हमारी इनकम शुरू होगी, और सब बातें करते रहते हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, लॉन्च तो हो नहीं रही है, भैया लॉन्च होगी तो एक होगी डेफिनेटली, इनकम भी आपकी बहुत आएगी, कितनी आएगी अब आप आगे जाकर के देख लेंगे फ्यूचर में। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे साफ बता दो दोस्तों, एक दो बातें होती हैं, एक पैसा और दूसरा होता है वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, पैसा और वैल्यू। पैसा की ज़रूरत सबको है, आप हैं मैं हूँ सारे लोगों को पैसे की ज़रूरत है, और बहुत आप पैसा बनाओगे चाहे वो थोड़ा बहुत एक्टिव फाउंडर हो चाहे वो कम एक्टिव फाउंडर हो, पैसा सभी कमाएंगे इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि एक फेस की इमेज होती है, एक आपका एक इमेज होता है पूरा कि आपको लोग जाने, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट होता है आपका वैल्यू क्या है, आपके पास अगर मान के चलिए 1,00,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, 1,00,000 रुपये आपके पास पड़े हुए हैं, आपके पास चलिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, राइट, लेकिन आपकी फेस की वैल्यू क्या है, जस्ट आप अपना इंजॉय कर रहे हो उस पैसे से, थोड़ा बहुत इधर उधर डोनेट कर रहे हो, ठीक ओके। लेकिन एक आदमी है जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं है, उसके पास हज़ारों रुपए हैं, बड़ी मुश्किल से वो करता है, लेकिन उसका एक फेस का वैल्यू है, उसको लोग जानते हैं, उसको समझते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, और उसकी वैल्यू जो है कैसी कंपनी से बनी है जो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी फ्यूचर में होने जा रही है। तो अपने वैल्यूज़ को समझिए दोस्तों, आप यहाँ पर ये सोच कर कह रहे हैं अरे पैसा आएगा मैं तो नहीं करता हूँ ऑन पैसे, जब देखा जाएगा, जब तक धंधे कर रहा हूँ जो भी मेरे को बेहतर लगेगा, उल्टे सीधे जो भी मुझे करना है, ठीक है आप करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको कितना ट्रस्ट है आपकी कंपनी पे, जब आप इतना सीना ठोके कहते हो कि मेरी कंपनी है ऑन पैसिव, तो आप उसके लिए कितना काम कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी ज़रूरी बातें होती हैं, और कई लोग बोलते हैं कि भैया आप ऑन पैसिव के बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। मैं आपको बता दूं भाई साहब, मैंने 700 से ज़्यादा वीडियो, 700+ वीडियो आज की डेट में बनाए, आज की डेट से अगर काउंट करूँ तो शायद 7,500 भी हो गए होंगे आई थिंक। मैंने 1 साल और 3 महीने लगभग हुआ है मुझे, 1 साल 2.5 महीने हुआ है, मैंने इसमें कम से कम 750 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। और अगर कोई इंसान उठा सुटा आकर के ये बोलता है कि ऑन पैसिव के बारे में क्या नॉलेज रखते हो, तो मैं बोलूँगा जाकर के देख ले भाई मेरे चैनल पर, इसमें ये मैं नॉलेज रखता हूँ। अगर ये नॉलेज भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप बताओ मुझे, मैं आपसे सीखता हूँ कि मुझे बता दो कि क्या नॉलेज है आपके पास, आप मुझे बता दो, राइट।
तो आके कुछ भी कोई बोल दे, कुछ भी कर दे, तो टेंशन मत लो आप, क्योंकि जो बेचारा बोल रहा है उसको अगर इतना नॉलेज होता तो खुद आकर के यहाँ पे आकर के बोलता है। ऑन पैसिव के बारे में अगर मैं बोलने जाऊँ दोस्तों, तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, इतने सारे हैं। मैं 4 घंटे 5 घंटे 6-6 घंटे बोल सकता हूँ ऑन पैसिव के बारे में। और अगर नॉलेज रखते हैं तभी हम जा करके दोस्तों ये वीडियो बनाते हैं। अगर कोई आदमी आके बोल देता, अरे क्या यूट्यूब पर तुम देख है वैसा है वैसा है, यूट्यूब पर नेगेटिव बनाने वाले, उनको आप देखो आपको ज़्यादा खुशी होगी। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव देख करके आपको बड़ा मजा आता है, तो अजीब अजीब थंबनेल देख के आपको मजा आता है, तो अजीब से थंबनेल पे जाकर के आप देखो, वो मुझसे ज्यादा नॉलेज शेयर रखते होंगे, राइट? तो आप उनको जाकर के देखो, मैं तो ये बोलूंगा। आप मुझे, मेरा चेहरा पसंद नहीं है तो आप मत देखो, आप वहां से हट जाओ और बाय बाय कर दो, दैट्स इट, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो मैं तो अपना काम 100% करता हूँ दोस्तों, और 100% करता रहूंगा। और जो मुझे ज्ञान बांटने के लिए आते हैं, मैं उनसे पहले बोलूंगा कि मुझे ज्ञान बांटना छोड़ो, आप अपना नॉलेज सही करके आओ। हो सकता है मुझे भी बहुत सारी गलतियां होती है, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, राइट? क्योंकि कंपनी ऑन पैसिव इतनी बड़ी है कि हमारे से भी कई बार बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां। ऐसी नहीं कि हम बहुत महान हस्ती बन गए ऑन पैसिव में आके, सारे लोग बहुत अच्छे हैं और सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि हमारा नॉलेज भी बहुत परफेक्ट है, हमारे नॉलेज में भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर सबको 100% नॉलेज हो जाए तो फिर क्या बात है, सब दुनिया ही पलट जाए, तो ऐसा नहीं है। हमारे से भी गलतियां होती हैं, हमारे पास भी बहुत सारा नॉलेज की कमी है। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा नॉलेज लें और आपके साथ में शेयर करें। लेकिन कोई एक उठा सोटा आदमी क्या कहता है, पहले नॉलेज लेके आओ, उसकी अगर हिम्मत है तो सामने आकर के बात करें दोस्त, वो नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसमें बोलने की क्षमता ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं बोल सकता है? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास कमेंट्स, फालतू कमेंट्स करने का टाइम है, राइट? और जो लोग फालतू कमेंट्स करते हैं वो बेचारे जो है सिर्फ कमेंट्स ही करते रहते हैं, इसलिए वो कमेंट्स कर रहे हो, कभी सामने नहीं आ पाते हैं। और जो लोग सामने आते हैं ना दोस्त, उन्हीं के ऊपर कमेंट्स किए जाते हैं। तो आप सामने आइए डर के, और बिल्कुल डरने की किसी से ज़रूरत नहीं है, खुल के बिंदास काम करने का है। आप एक बड़ी कंपनी से हैं, आप एक बड़ी कंपनी आईटी कंपनी के फाउंडर हैं, और एस सर ने भी क्लियरली बता दिया, देखिए हमारी लीगल टीम है जो सब देख रही है, आपको वॉच कर रही है, आपके साथ पूरी कंपनी का सपोर्ट है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ भी कोई अगर बोल देता है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, आप बिल्कुल बोल सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है। और आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी वॉच कर रही है कि कौन क्या काम कर रहा है। अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो आपके खिलाफ भी डेफिनेटली एक्शन होगा, और हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी अपने स्तर पे करने वाली है, राइट? तो हमारे को ज्यादा इतनी उठापटक करने की जरूरत नहीं है, कंपनी अपने स्तर पे करेगी। और 2-4 नेगेटिव बोलने से आदमी का काम बिगड़ता नहीं है, आप अपना काम कीजिए, 100% दीजिए। और मार्च के मंथ को बहुत ज्यादा एंजॉय करिए दोस्तों, मार्च का मंथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। और इस मार्च में आपको बहुत सारी न्यूज़ें तो मिलेगी, और आप थोड़े से एक्टिव रहिए, आपको नॉलेज लेते रहिए, जानकारियां लेते रहिए, और हो सकता है कि मार्च में कुछ एक्स्ट्रा अच्छी चीजें आपको सीखने को मिल जाए, राइट? और बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी यहाँ पर। और विपुल रावल जी हमारे साथ जुड़े हैं, विपुल जी नमस्कार सर, हमारे बहुत ज़बरदस्त फाउंडर हैं। जी के शाकिर जी जुड़े हैं, वेलकम भाई, वेलकम। मैंने ऐसे नेगेटिव यूट्यूबर को बराबर धोता हूँ कमेंट से। अच्छा ठीक है, आप भी बिल्कुल धोया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। रूपा पॉल जी हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रूपा जी, कैसी हैं आप? लेडीज़ के लिए स्पेशल, जैसे लास्ट वेबिनार में रूपा पॉल जी को मुझे देख के आ गया कि एस सर ने बात बहुत अच्छी बोली थी, कि कुछ लोगों ने बोला था कि सर लेडीज़ के लिए होना चाहिए कुछ स्पेशल, हो सकता है कि लेडीज़ के लिए स्पेशल, क्योंकि हाँ एक चीज़ और कि हमारा जो 8 मार्च को है लेडीज़ डे होता है, जो हमारा वुमेंस डे, राइट? तो वुमेंस डे के लिए बहुत ही अच्छा है, और हो सकता है कि वुमेंस डे तो है, साथ ही साथ इस मंथ में मार्च में बहुत सारी गुड न्यूज़ तो हैं, तो हो सकता है वुमेंस डे पे भी कुछ ना कुछ हो, अच्छा हो सकता है, शायद हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए। लेडीज़ हमारी जो इतना अच्छा यहाँ पे काम कर रही हैं, वेबिनार्स मीटिंग में आती हैं, और स्पेशली बहुत बिजी होती हैं, नॉर्मली हम जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ लोग जो हैं क्योंकि उनके बहुत सारे उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, फैमिली की जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर पर इतना काम होता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके बावजूद भी हमारे साथ में आती हैं और अगर जुड़ती हैं और काम करती हैं तो उनको सैल्यूट है ऐसी लेडीज़ को। और एस सर ने भी ये बार बार बोली है, और आप देखेंगे कि वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं लेडीज़ को, वो चाहते हैं कि लोग आगे आएँ। और बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ से लेडीज़ों बाहर नहीं कभी आई हैं, लेकिन ऑन पैसिव की वजह से जो है उनको एक मौका मिला, एक चांस मिला है अपनी बात बताने का, और ऑन पैसिव ने उन्हें ये मौका दे रही है। दोस्तों इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती है कि हम एक पूरी कम्युनिटी जो है ऑन पैसिव की इतनी पॉजिटिव है कि अगर
बोल सकते हैं कि एक दो चार अगर गलत लोग आ गए तो वो अपने आप डर के भाग जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा ऑन पैसिव का कम्युनिटी इतना स्ट्रांग है, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे जो भी हो, बहुत 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 ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और सबको सलाम है, सबको सैल्यूट है जो इतनी मेहनत करते हैं। और जबकि आपको कई लोगों बोलते हैं कि आपको तो पैसा मिलता होगा यहाँ से वहाँ से, देखिए आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ यूट्यूब से रिलेटेड, डेफिनेटली आप ऑन पैसिव की बात छोड़िए, आप कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं आप बहुत इनकम बनाएंगे, ध्यान रखिए। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने बरस बना दिया, कुछ भी आके बोल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बता दो बहुत मेहनत लगती है, आज की डेट में लगभग 2 या 3 वीडियो मैं डेली डालता हूँ अपने यूट्यूब पे, ना सिर्फ ऑन पैसिव उसके अलावा मेरे जो चैनल है उस पे बहुत मेहनत लगती है। आज ऑन पैसिव से रिलेटेड करीबन 750 के समथिंग वीडियो मैंने 1 साल 2 महीने जैसा आपको बताया डाले हैं। 750 वीडियो बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, आपको ये जानकारी के लिए बताऊँ, ये बहुत आसान काम नहीं है। अगर आपको लगता है बस क्या है आके बोलना है, जस्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको सीखना पड़ता है, बहुत सारी जानकारियां लेना पड़ती है, बहुत सारी नॉलेज लेना पड़ती है, उसके बाद आकर के आप जो है यहाँ पे नॉलेज इकट्ठा करके आप शेयरिंग करते हैं, तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इतनी मेहनत करोगे जब आकर के आप थोड़ी बहुत इनकम शुरू होती है और आपको रोज़ कुछ ना कुछ काम करना है, आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर भी हो गए तो उसके बाद ऐसा नहीं कि आप घर पे जा कर के बैठ जाओ, आपको वहाँ पर आने के बाद भी जो है बहुत मेहनत करना पड़ेगी, राइट। तो बहुत मेहनत करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, राइट, और उसके लिए आपके सामने आपको आकर के पूरी दुनिया में जो है उसको अपने आप को शेयरिंग लाना पड़ेगी। तो ये आसान नहीं होता है, वो आसान कब होगा, जब आप कंटिन्यू अपना काम को करते रहेंगे, नेगेटिव झेलते रहोगे। अगर आपकी नेगेटिव झेलने की क्षमता है, फिर से मैं बताता हूँ, अगर आप नेगेटिव झेल सकते हो तो दुनिया में आप सब कुछ झेल सकते हो, राइट। अगर आपकी नेगेटिव झेलने की क्षमता नहीं है, आप कुछ 2-4 चिल्लाने वाले कुछ लोगों की वजह से अगर आप अपने काम को बंद कर देते हो, तो ये वो चिल्लाने वालों का प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है कि आपने उसके कहने पर ये बात दिखाई है, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों और जो आपसे शेयर करूं कि इतना इन्फॉर्मेशन्स है हमारे पास कि अगर आप जानकारी लें तो आप पूरा 4-4, 5-5 घंटे आप बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, कई लोग जो है नेगेटिव पे चले जाते हैं। और कुछ दिनों पहले ऐसा ही हो रहा था, लोग नेगेटिव देख देख के उनका दिमाग कुछ अच्छे भले लोगों का नेगेटिव हो रहा था और मुझे भी फ़ोन पे वाले ऐसी बातें करते थे कि मैं आपको क्या सुनाऊँ, सबको हाइड कर दिया, क्या हुआ उससे, क्योंकि आप नेगेटिव बोलोगे। चलो ऑन पैसिव के लिए अगर आप नेगेटिव बोलते हैं, कोई आदमी आता है और वो नेगेटिव बोलता है, तो उसे ये बताओ कि भैया नेगेटिव बोलने से क्या ऑन पैसिव लॉन्च हो जाएगा, नहीं होगा, राइट। तो ऑन पैसिव आप बोल रहे हो बोलिए ऐसा है वैसा है, तो उससे कुछ नहीं होना है, वो तो जब होना होगा तभी होगा, आप कितना भी बकबक करो, कुछ भी बोलो, और बहुत कुछ होने वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी आने वाले वक्त में। 8 मार्च तो देखिए वुमेंस डे है, राइट, तो वुमेंस डे है तो जस्ट अच्छा दिन है, आप लेडीज़ की रिस्पेक्ट करिए, आपकी माँ होगी, आपकी बहन होगी, आपकी वाइफ होंगी, जो भी हैं लेडीज़ की वजह से ही आज सब लोग यहाँ पर सब मौजूद हैं, और उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। तो 8 मार्च को ऑन पैसिव में कुछ स्पेशल होगा ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इस मंथ में ज़रूर फाउंडर के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, राइट। तो हमारे को यही है दोस्तों, और यही चीज़ें, आप मेहनत कीजिए अपने प्लेटफॉर्म पर, लगातार अपने दिन रात मेहनत कीजिए, किसी पर नेगेटिव बातों से दूर बचिए, और सभी लोग वैसे तो बचे ही हुए हैं उसमें, और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। और वेबिनार्स जो होने वाले हैं, अभी मंडे को भी वेबिनार होगा, जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, जो हमारे 12:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार अगर होते हैं, तो उसमें कभी ऐश मोहरे आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन पिछली बार से तो कंटिन्यू आ रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ भी कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिल जाए। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि सबसे अच्छी खुशी तो ये होगी कि जो मार्च में हमारे फाउंडर लोग जाएंगे और वहाँ जो हैदराबाद ऑफिस में जो पहुँचोगे आप देखोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया मतलब ऑफिस है, आप जब वहाँ जा करके देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ जा चुका हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और आप लोग जो भी लोग आएंगे, जो भी वहां सिलेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली मैं अपने चैनल पर उन सब का फोटो वगैरह जो भी है वो शेयर करूंगा आपके साथ में, और मुझे बड़ा खुशी होगी कि हमारे ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ फाउंडर जो वहां पर जाकर के देखेंगे, और उनका जो ड्रीम बिल्ड होगा वहां पर जाने के बाद में, वो जो ड्रीम बिल्ड होगा वो वहां से आने के बाद आपके अंदर एनर्जी, अभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां से आने की बाद आपकी एनर्जी 1000 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा यार वाकई में। कई लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैं गया था हैदराबाद, तो 2021 नवंबर 2021 के समथिंग, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई
क्या वाकई में वहाँ पे ऐसा है, ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं? तो मैं उन्हें बोला भाई सब है वहाँ, वो प्रोडक्ट बना हुआ दिखेगा, कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं। वो इस लेवल पे काम करती है प्रोडक्ट, हर कंपनी हर हर प्रोडक्ट पे अलग 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 डिपार्टमेंट बने उस पर काम करती है। आप सोचिए कितना सेफ और सिक्योर। और आप देखेंगे वहाँ पर बाउंसर्स हैं, कोई कंपनी में आप जाओगे ना तो कंपनी अभी लॉन्च है वहाँ पर बाउंसर्स होते हैं। आपको ऐसा नहीं कि चाहे उठे छूटे कोई भी आ गया, वहाँ पर एक सेफ्टी के साथ में आप जाते हैं और सीवी उन्हीं को अलाउड होता है जो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। और तो बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। और जो बैक ऑफिस की टीम है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको मैं बता दूँ इतना पावरफुल है बैक ऑफिस की टीम की। आप इतने एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड वहाँ पे जो बंदे बंदियाँ काम करते हैं, आप देखोगे कि आप हैरान रह जाओगे कि यार इस लेवल के लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो आप जब वहाँ जाएंगे, फाउंडर जब वहाँ पर जाएंगे, आप वहाँ से ज़रूर जो है आकर के आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, कहीं भी हो, सोशल मीडिया में हो, आपकी टीम की आप छोटी छोटी मीटिंगें करते हैं तो वहाँ पर जाकर के आप जो है अपने वहाँ की जो एक्सपीरियंस है उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो आप शेयर करेंगे वो बहुत ही पॉजिटिव जाएगा आपकी जो भी टीम है उसमें। तो उससे लोगों का जो पता चलेगा यार वाकई में किस लेवल पे यहाँ पे कंपनी काम कर रही है, किस लेवल के यहाँ लोग काम कर रहे हैं, राइट। और प्रोडक्ट इतने बड़े बड़े बन रहे हैं कि अभी आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि यार ये प्रोडक्ट इतना बड़ा है और अभी हम जो पार्ट यूज़ कर पा रहे हैं कुछ प्रोडक्ट का, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट उसको हम ये बोल सकते हैं कि उसका कुछ ही पार्ट यूज़ कर पा रहे हैं। आप जब 100% उसको यूज कर पाएंगे तो आप सोचिए कि कितने जबरदस्त होने वाला है। तो जो है बहुत तेजी से काम चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है दोस्तों। और क्या बोल रहे हैं भैया, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग इसमें, चलिए कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दो चार ऐसे क्वेश्चन है। तो इस टाइप से जो है कैटमो चलने लगा है, दौड़ना बाकी है। अच्छा, किसी ने कमेंट्स किया है कैटमो चलने, ये हमारे संतोष भारती जी ने, कैटमो चलने लगा है दौड़ना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी छोटा सा बच्चा है, राइट, बिल्कुल अभी ऐसे ऐसे चलने लगा है, अभी दौड़ेगा कब, वो जब पूरा बड़ा हो जाएगा, जब वो डेफिनेटली लॉन्च होगा। बिल्कुल सही सर आपका, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कमेंट्स किया उसके लिए। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। और जी के शकिया जी, बिल्कुल जैसे कि नेता और सेलिब्रिटी प्रोडक्ट बॉडी गार्ड्स ओके करते हैं, वैसे ही प्रोफेशनल बॉडी गार्ड्स हैं, ओके बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। हमारे बहुत बड़े जो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वहाँ पे, आप देखेंगे वहाँ पे जो बाउंसर्स होते हैं, बहुत ही प्रोफेशनल कंपनी है हमारी ये कंपनी। कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, जबकि ऑन पैसिव में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट्स है दोस्तों, और बस तैयार रहिए, मार्च का मंथ ज़बरदस्त है, एक्साइटमेंट से भरपूर है। इन्जॉय कीजिए अपने पल को और बिल्कुल बिंदाजी के साथ काम कीजिए, बिल्कुल बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए हुए आप बिंदास होकर के काम करिए, क्योंकि आपकी खुद की कंपनी है, ऑन पैसिव के आप फाउंडर हो और कंपनी आपको फुल सपोर्ट कर रही है कि आप अच्छा काम कीजिए, आपके साथ कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है, आपके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, अगर बोलेगा तो हमारी लीगल टीम मौजूद है। चिंता मत कीजिए दोस्तों, और इन्जॉय कीजिए बिना किसी से डरे, बिना किसी से झुके, और आपने काम को 100% दीजिए, अपने काम जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहो बॉस, बहुत इंजॉय करो उस काम को, जम के इंजॉय करो, और साथ ही साथ ऑन पैसिव को भी आप इंजॉय के साथ में करते जाओ, इंजॉय करते रहो। और इंजॉय करते करते हमारी कब कंपनी लॉन्च हो जाएगी हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इंजॉय करो, मस्ती करो और एक्टिव रहो हमेशा। और मार्च के मंथ में जो भी फाउंडर जाने वाले हैं उनको हमारी तरफ से एडवांस में 100% सबको बहुत बहुत बधाई। और जब भी आप लोग जाएं दोस्तों तो 100% मेरी गारंटी कि मैं आप सबके वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबके लिए पेश करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा हर भाई हर बहन जो भी है ऑन पैसे में वो वहां पर जाए और वहां पर जाकर के वो एंजॉय करे और देखे कि हमारी कंपनी किस लेवल पे काम करती है। सिर्फ इंडिया में हैदराबाद ऑफिस की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो आप छोड़ दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग जाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप उस जर्नी को एंजॉय कीजिएगा और उस जर्नी के वीडियो ज़रूर बनाइए जैसा मैंने वीडियो बनाया था
कैसे मैं प्लेन में बैठा हूँ फर्स्ट टाइम, मैं कैसे उसमें फिर लैंड हुए, क्या हुआ है, आप जितना भी वीडियो बना सकते हैं बनाइए, शेयर कीजिए, बताइए और दूसरों को बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं कि इतना इंजॉय कीजिए कि सामने वाले जो नेगेटिव हो परेशान हो जाए, यार इसको पैसे नहीं आ रहे, ये इंजॉय क्यों कर रहा है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है, राइट। तो सोचिए कि हमारे पल को कितना हम इंजॉय कीजिए और 100% जाइए, मस्ती कीजिए, इंजॉय कीजिए, और जिस किसी के भी नाम आएंगे डेफिनेटली हम आपके साथ में शेयर करेंगे, जो फाउंडर हमारे जाने वाले, आप कितने होंगे, 10, 15, 20 जो भी होंगे, 50 जो भी होंगे, जो कंपनी डिसाइड करेगी, तो आप जल्दी आइए और वेट कीजिए, क्योंकि आज 6 मार्च हो चुका है और अच्छी गुड न्यूज़ हमको मिलेगी डेफिनेटली फाउंडर जो जाने वाले हैं उनको, राइट। और पूरा साल तो बल्ले बल्ले होने वाली है। तो बाय बाय गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, वी आर इन इट टू विन इट, बाय बाय।